हैं, आप प्रजातंत्र और नागरिक के संबंध नहीं बन रहे हैं। फ्री राशन मिल रहा है, आपने लाइन में लगा दिया है, उनका स्वाभिमान और सम्मान सारा छीन लिया। बीजेपी की ताकत मैं कहीं और देखता हूँ, और वो है उनकी जो सोशल इंजीनियरिंग है, माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग, जिसमें राजभर को भी जोड़ते हैं, वो चौहान को भी जोड़ते हैं, वो नुनिया को भी जोड़ते हैं, कश्यप को भी लाते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य दो बुनियादी चीज़ें हैं, दो बुनियादी मुद्दे हैं जिनको सरकार की तरफ से फ्री होना चाहिए इस देश के लोगों के लिए, नागरिक करूँ। हालांकि इस नैरेटिव को मैं स्वीकार नहीं करता। अगर आप चेहरे की बात करें तो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बेहद कम हुई है और उसी के बनिस्पत राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है। दूसरा, विपक्ष उत्तर प्रदेश में बेहद नकारा आपको देखेगा, ट्वीट करके राजनीति चोरी या जो गुंडाई को लेकर के लोग कहते थे कि वो उसमें थोड़ा सा ठीक हुआ है, लेकिन एनकाउंटर उसका कोई जवाब नहीं हो सकता है। चीज़ें हैं, रसोई गैस को आप ले लीजिए, मोदी जी ने उसको चूल्हा दे दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि वो खरीद नहीं पा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अब वो हालात तो नहीं है जो पिछले इलेक्शन में 62 सीटें उन्होंने जीती थी। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय में, जो कि A++ ग्रेड का लखनऊ विश्वविद्यालय है, और अपनी बात बेबाकी से रखने के लिए जाने जाते हैं जिनका नाम है डॉक्टर रविकांत चंदन, जो कि हिंदी डिपार्टमेंट के हैं। चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे मीडिया प्लेटफॉर्म हो, किसी भी संदर्भ में, किसी भी चीज़ों में अपनी बात बहुत बेवाकी से रखते हैं और अक्सर बोलने के लिए जाने जाते हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक लाइफ चैनल में। हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि 2024 का जो इस बार लोकसभा का इलेक्शन है, उसमें आपको उत्तर प्रदेश में खास तौर पे कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है? ये देखिए, बदलाव तो ज़मीन पर भी थोड़ा सा दिख रहा है और विपक्ष की एकजुटता भी अभी बेंगलोर में चल रही है। जयंत चौधरी भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, कांग्रेस पार्टी भी धीरे धीरे जमीन बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मायावती थोड़ा सा दूर हैं। तो इस तरह से लग रहा है कि विपक्ष उत्तर प्रदेश में एकजुट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अभी कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अब वो हालात तो नहीं है जो पिछले इलेक्शन में 62 सीटें उन्होंने जीती थी। हाँ, अभी ओम प्रकाश राजभर उनके साथ गए हैं, दारा सिंह चौहान उनके साथ गए हैं, तो पूर्वांचल में उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत किया। ये वही ज़मीन है जहाँ की 26 जिलों में समाजवादी पार्टी ने पिछली बार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था विधानसभा के चुनाव में। राजभर के जाने से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उन जिलों में, जो बनारस भी आता है उसमें प्रधानमंत्री का अपना लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ पर मजबूत होगी। लेकिन इसके अलावा अभी जो पूरा और उत्तर प्रदेश है उसमें विपक्ष अगर एकजुट होता है तो थोड़ा सा मुश्किलें भारतीय जनता पार्टी को हो सकती हैं, और वो मुश्किलें उस संदर्भ में कह रहा हूँ कि पिछली दफ़ा जो उनका रिकॉर्ड था उस रिकॉर्ड पर पहुंचना थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है। सर, जैसे कि हम लोग जनता के बीच में जाते हैं, तो अगर हम बात करें इलेक्शन से पहले, बहुत सारे ऐसे मुद्दे निकल करके आए हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हों, बेरोजगारी को लेकर के हों, महंगाई को लेकर के हों, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के हों, या शिक्षा के क्षेत्र में हों, इसमें आम जनता जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं वो परेशान दिख रही है, और विपक्ष में भी सदन में इसको सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास भी किया है। तो बढ़ती हुई बेरोजगारी और महंगाई क्या 2024 के इलेक्शन में एक अहम मुद्दा साबित होगा आपके हिसाब से? ये डेफिनेटली इस समय वो केंद्रीय मुद्दे हैं। अब इस समय टमाटर 200 रुपये किलो के आसपास है, कैसे गरीब आदमी खाएगा, मिडिल क्लास भी नहीं खरीद पा रहा है, तो गरीब का तो सवाल ही अलग है। दूसरे और तमाम चीज़ें हैं, रसोई गैस को आप ले लीजिए, मोदी जी ने उसको चूल्हा दे दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि वो खरीद नहीं पा रहे हैं। इधर एक और मैंने मसला महसूस किया कि जो महिला घर में है वो अब चूल्हे से खाना बनाना नहीं चाहती, मर्द है उसके पास आमदनी नहीं है, तो परिवारों में झगड़ा तक हो रहा है इसको लेकर के। मैंने बुंदेलखंड में ये हालात देखे हैं, मैं चूँकि वहाँ से आता हूँ। तो दूसरी तरफ लैंड ऑर्डर की आपने बात की है, लेकिन लैंड ऑर्डर ऐसे काबू में क्या, बुलडोजर राज चल रहा है, जिस तरह से एनकाउंटर हुए वो बेहद सवालों के घेरे में हैं। अगर आप ठोको नीति के तहत लैंड ऑर्डर को दुरुस्त करना चाहते हैं तो मुझे लगता है फिर लोगों का कानून पर भरोसा खत्म होता है। तो इस तरह से तो चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज के हालातों में जो और दूसरी स्थितियाँ थीं वो थोड़ी सी दुरुस्त हुई हैं। जैसे चोरी या जो गुंडाई को लेकर के लोग कहते थे कि वो उसमें थोड़ा सा ठीक हुआ है, लेकिन एनकाउंटर उसका कोई जवाब नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ गाँव में किसान बेहद परेशान है। मैं आज ही किसी से बात कर रहा था कि जो आवारा जानवर हैं
वो फसलें चौपट कर रहे हैं, जो किसान है वो 500 रुपया प्रति महीना दे रहा है जो गौशाला बनाई गई है उसको, ये किस बात का दंड है? ये कौन सा चल रहा है न्याय के साथ? किसान अपना खेत रखवाली के लिए गौशालाओं में 500 रुपया दे? तो हालात दूसरे तरह के हैं, लोग बेहद परेशान हैं, लेकिन थोड़े खौफजदा हैं, डरे हुए हैं और उस वजह से नहीं बोल रहे हैं। दूसरा, विपक्ष उत्तर प्रदेश में बेहद नकारा आपको दिखेगा, ट्वीट करके राजनीति नहीं होती है, चाहे वो मायावती हो चाहे अखिलेश यादव हो, उनको लगता है कि हम ट्वीट कर देंगे और लोग उस पर रिएक्ट करेंगे और लोग बीजेपी से दूर हो जाएंगे। ये मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है कि उसके लिए ज़मीन पर जाना पड़ेगा, ठीक वैसे ही जैसे राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर को अपने पैरों से नापा है। तब आज उत्तर प्रदेश में भी जो लोग राहुल गांधी को लेकर के पहले बेहद मजाकिया लहजे में बात करते थे, आज वो संजीदा हो रहे हैं और ये मान रहे हैं कि राहुल गांधी ने मेहनत की है, राहुल गांधी की जो धारणा बनाई गई थी उसमें सुधार हो रहा है। ये अगर विपक्ष के और राजनीतिक दल सीखें तो मुझे लगता है कि बीजेपी का जो इस समय का राज है उसे ख़त्म किया जा सकता है अगर वो चाहते हैं तो। अगर बात करी जाए 24 के इलेक्शन की ही, बीजेपी के पास तो एक उभरता चेहरा है नरेंद्र मोदी जी का, शायद वही भी इस बार इलेक्शन में नरेंद्र मोदी जी का ही चेहरा लेकर के मैदान में उतरेंगे। विपक्ष के पास में अभी कोई, जैसे आपने बताया, कोई चेहरा नहीं निकल करके आया, चाहे आपने राहुल कांग्रेस की बात कर ली, आपने समाजवादी की बात कर ली, आपने बीएसपी की बात कर ली, आप आम आदमी की बात कर ली, क्या आपको इन पार्टियों में कोई ऐसा चेहरा दिखता है जिसके आधार पर 2024 में प्रधानमंत्री का चुनाव का इलेक्शन विपक्ष सक्रिय होकर के लड़ सकता है? देखिए, चेहरे की जो नैरेटिव है इस इलेक्शन में नहीं चलेगा, वो हो गया एक दो इलेक्शन में वो चलता है, हर नैरेटिव हर बार नहीं चलता है। रही बात कि नरेंद्र मोदी का चेहरा है तो लोकप्रियता उनकी घट रही है, खुद ऑर्गेनाइज़र ने लिखा, माने संघ के अपने पत्र ने लिखा कि अब मोदी के चेहरे पर और हिंदुत्व के बलबूते चुनाव नहीं जीता जा सकता है। बीजेपी की ताकत में कहीं और देखता हूँ, और वो है उनकी जो सोशल इंजीनियरिंग है, माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग, जिसमें राजभर को भी जोड़ते हैं, वो चौहान को भी जोड़ते हैं, वो नोनिया को भी जोड़ते हैं, कश्यप को भी लाते हैं, निषाद को भी लाते हैं। ये माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी के जीत का कारण है, वो एक एक चेहरे पर। हाँ, चेहरा केवल ये है कि आप लोगों को भटकाएं और मीडिया के ज़रिए केवल इस सवाल को उठाते रहें कि मोदी के सामने आखिर कौन। ये मुझे लगता है कि बहुत अजीब किस्म का सवाल है, लोकतंत्र में इस तरह के सवाल नहीं होने चाहिए। और रही बात उसकी, अगर मैं चेहरे पर ही बात करूं, हालांकि इस नैरेटिव को मैं स्वीकार नहीं करता, अगर आप चेहरे की बात करें तो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बेहद कम हुई है और उसी के बनिस्पत राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी ने अभी क्रॉस कर दिया है नरेंद्र मोदी को, लेकिन मैं कई चैनल्स के सर्वे भी देख रहा था कि आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे पसंद करेंगे, बहुत सारे चैनल्स पर वो सर्वे राहुल गांधी के पक्ष में गए। इसका मतलब है कि जो यूथ है वो राहुल गांधी को इस समय पसंद कर रहा है, जो निराश है, जो लोग परेशान हैं वो राहुल गांधी को अब पसंद कर रहे हैं। तो अगर ये नैरेटिव भी चलता है तो अभी 9 महीने का समय बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। भारत जोड़ो यात्रा का अगर पार्ट टू हो गया तो जहां हम लोग बैठे हैं इस उत्तर प्रदेश में भी आपको ये भी नैरेटिव मिलेगा कि राहुल गांधी बहुत मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी के सामने खड़े हुए हैं। मैं एक सवाल आपसे ये भी करना चाहूँगा, क्योंकि आप शिक्षा से जुड़े, आप एक प्रोफेसर भी हैं, अगर पिछले 9 साल भारतीय जनता के पार्टी के जो कार्यकाल पूरे कंप्लीट किए गए हैं उन्होंने, इसमें विकास कार्यों की अगर हम आपसे बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर, खास तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर आपको क्या बदलाव देखने को मिला? शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसा क्या बदलाव आपको देखने को मिला? नहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य में तो कोई बदलाव नहीं है, नई शिक्षा नीति आई है उसने तो और ज़्यादा चौपट कर दिया है। सेमेस्टर आपने ऐसी जगह लागू कर दिए हैं कि जहाँ पे वो व्यवस्था ही नहीं है, आपके पास बैठने की जगह नहीं है, एक रूम में अगर सारे स्टूडेंट्स आ जाएं तो आप उस रूम में बिठा नहीं सकते हैं। तो केवल कागजी तरीके से आप शिक्षा को दुरुस्त दिखाना चाहते हैं, मसलन A++ जो दिया गया है वो केवल इसलिए है कि आप इसको दिखा सकें कि देखिए शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ है, जबकि ज़मीन पर जाइए, मैं जहाँ पढ़ा रहा हूँ मैं जानता हूँ कि अब किस तरह से क्लासेस हो रहे हैं, असाइनमेंट है, परीक्षाएं हैं, उन पर ज़्यादा जोर है बजाय क्लास के। एक दौर वो भी था जहाँ वार्षिक परीक्षाएं होती थी, उस समय कम से कम 8 महीने पढ़ाई होती थी, उसके बाद परीक्षाएं होती थी। अब परीक्षाओं का बोझ ज़्यादा है, असाइनमेंट का बोझ ज़्यादा है और पढ़ाई लिखाई कम है, तो इससे मुझे नहीं लगता है कि ये पॉजिटिव हुआ है। आप
अमेरिका के पैटर्न को अगर कॉपी करना चाहते हैं तो अमेरिका की तरह कि आपके पास फैसिलिटीज़ होना चाहिए, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, और वो है नहीं यहाँ पे। तो वार्षिक परीक्षाओं का ही पैटर्न बेहतर है। तो एक तो ये है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोरोना काल भी आपने देख लिया कि जहाँ पे क्या, वो केवल उससे नहीं चलेगा कि आपको वैक्सीन मिल गई तो थैंक यू मोदी जी हो गया। लोग उस समय भी ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे, मेडिकल स्टोर पे दवाइयों की कालाबाजारी हो रही थी और सरकार उस समय नदारद थी, तो वो भी हालात है। शिक्षा और स्वास्थ्य दो बुनियादी चीज़ें हैं, दो बुनियादी मुद्दे हैं जिनको सरकार की तरफ से फ्री होना चाहिए इस देश के लोगों के लिए, नागरिकों के लिए। लेकिन फ्री राशन मिल रहा है, आपने लाइन में लगा दिया है, उनका स्वाभिमान और सम्मान सारा छीन लिया। एक वो भी दौर था जब यही राइट टू फूड आया था यूपीए 2 में, उस समय 1 रुपये 2 रुपये प्रति किलो मिलता था, तो वो आदमी ये कह सकता था ना कि हमने अपने पॉकेट से 1 रुपया निकाल करके 1 किलो राशन लिया है। अब तो आप जब आप फ्री लेते हैं तो आपका स्वाभिमान और आपका सम्मान सारा चला जाता है, आप भिखमंगे की तरह खड़े होते हैं। ये जो एक तरह का पतन हुआ है और आपने नागरिकों से जनता बना दिया है लोगों को, वो इस लोकतंत्र के लिए दुरुस्त नहीं है, वो इस लोकतंत्र को बेहतर नहीं बनाता, लोकतंत्र को कमज़ोर करता है। मैं आपका इस पे एक और भी आपसे मैं पूछना चाहूँगा, सवाल करना चाहूँगा। जैसा आपने अभी मुफ्त राशन की बात करी, इलेक्शन से पहले विकास कार्यों की बात करी जाती है, उनका प्रचार प्रसार किया जाता है, अपने कार्यकाल में दिखाया तो जाता है, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन समीप आता है कहीं ना कहीं यही मुफ्त बिजली, मुफ्त राशन, मुफ्त पानी, मुफ्त सुविधाओं की राजनीति शुरू हो जाती है। तो क्या इलेक्शन में इसका प्रभाव कुछ ज़्यादा नहीं पड़ जाता विकास कार्यों की अपेक्षा? नहीं, डेफिनेटली है, और लोगों की उस तरह की आदत बनाई जा रही है कि आप मुफ्त के जरिए वोट दें तो क्या वोट कि अब 100 रुपये में वो खरीद रहे हैं या वो बेच रहे हैं? ये तो आपने वोटिंग राइट का आप सीधे तरीके से उसका पतन कर दिया है। ये वोटिंग राइट कैसे हासिल हुआ है इस देश में? 90 साल का स्वाधीनता आंदोलन, संविधान सभा में भी इस पर बातचीत हुई कि साहब वोटिंग राइट सबको मिलना चाहिए, केवल पढ़े लिखे लोगों को मिलना चाहिए। नेहरू से लेकर के अंबेडकर तक एक मत थे कि नहीं साहब, किसी भी व्यक्ति को, चाहे आदिवासी हो, दलित हो, वो अनपढ़ हो, वो महिला हो, सबको वोटिंग राइट मिलेगा। ये वोटिंग राइट वो था कि जिसके जरिए आप सरकार को बनाते हैं, सरकार को गिराते हैं, ये वो अधिकार था, और वो अधिकार आपने 10 रुपये में बेच दिया है। तो इससे तो नागरिकता बोध ही नीचे गया है ना, उससे लोकतंत्र नहीं मजबूत हुआ है, उससे नागरिकता बोध मजबूत नहीं हुआ है। इससे हमने कहा ना कि इससे आप जनता में तब्दील हो रहे हैं, तो राजा और जनता के संबंध बन रहे हैं, आप प्रजातंत्र और नागरिक के संबंध नहीं बन रहे हैं। ये जो चाहे उसको रेवड़ी कल्चर कहें, वो किसी भी पार्टी के जरिए हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, मुझे लगता है कि इसमें भी एक टोकन मनी होना चाहिए ताकि ये लगे कि भाई हमने उसको लिया। कह रहा हूँ ना कि 1 रुपये प्रति किलो भी अगर आप अनाज देते हैं तो वो एक टोकन मनी है, उससे आपका सम्मान कम से कम बचता है। तो जो भी आप करें, आप ठीक है कि उसमें बिजली आप फ्री दे रहे हैं, लेकिन एक टोकन मनी हो जिसके जरिए हमारा सम्मान और स्वाभिमान तो बचा रहे, ये होना चाहिए। माने हम नागरिकता बोध भी खत्म कर दें और केवल पैसे पर हम अपना वोट भेज दें, ये तो प्रोसेस मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के लिहाज से और नागरिकता बोध के लिहाज से दुरुस्त नहीं है। एक अंतिम सवाल आपसे हम करना चाहेंगे, 2024 का इलेक्शन एक आम नागरिक होने के नाते किन अहम मुद्दों को ध्यान में रख करके आप देंगे? आपके हिसाब से वो अहम मुद्दे क्या होंगे जो आपको लगता है कि इसको देख करके हमें सरकार चुननी चाहिए? देखिए, एक नागरिक होने के नाते पहला तो हमारा अहम इशू है कि इस देश में लोकतंत्र मजबूत हो, और एक व्यक्ति होने के नाते ऑब्वियस है कि महंगाई और जो बेरोजगारी है उससे हर व्यक्ति पीड़ित है, वो दूर हो, और सामान्य व्यक्ति बिना किसी डर के, भय के, वो समाज में अपना जीवन यापन कर सके। अब ये ना हो कि कोई व्यक्ति अमुक समुदाय से आता है तो उसे दूसरा डर हो, कोई और समुदाय से आता है उसे तीसरे तरह का डर हो। तो राजा और जनता